कांग्रेस पार्टी की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग दिल्ली में खत्म हो गई है। उम्मीद है कि आज राजस्थान के कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाकी 146 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। ये मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस मुख्यालय में हुई है। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने 15 अक्टूबर को MP छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के 229 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। और आपको बता दें कि इनमें मध्य प्रदेश के 230 में से 144, छत्तीसगढ़ के 90 में से 30 और तेलंगाना में 119 में से 55 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। 16 अक्टूबर को मिजोरम में 40 में से 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम ऐलान किए गए थे। 200 सीटों वाले राजस्थान की कोई लिस्ट सामने नहीं आई है, यानी राजस्थान की 200, मध्य प्रदेश की 86 और छत्तीसगढ़ की 60, तेलंगाना की 64 और मिजोरम की 1 सीट पर कैंडिडेट के नाम नहीं तय हुए हैं। कुल मिलाकर सभी 5 राज्यों की 411 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अभी बाकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो हमने आपको बताई कि कांग्रेस मुख्यालय में अब मीटिंग जारी थी और उसके बाद अब आगे लिस्ट की जारी होने को लेकर भी अब सूचित किया जा सकता है। इसको लेकर हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, अब कांग्रेस मुख्यालय में लगातार मीटिंग जारी थी, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि बाकी बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। बिल्कुल निश्चित, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है तो सभी पार्टियों की तरफ से अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे जा रहे हैं। हालांकि जो पहले 3 स्टेट की लिस्ट आई थी उसके बाद से राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि कांग्रेस की तरफ से अभी एक भी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया गया है। लेकिन जो खबरें आ रही है वो ये है कि CEC की जो बैठक हुई है उसमें अशोक गहलोत ने केंद्रीय नेतृत्व को मना लिया है कि जो उनके कैबिनेट में मंत्री थे एक दो को छोड़कर बाकी को फिर से चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो राजस्थान से लगभग 60 नाम जो हैं वो फाइनल हो गए हैं, जिनका कभी भी उनकी जो सूची है वो जारी की जा सकती है। इसी तरह से जो बाकी स्टेट्स हैं उनमें भी आज जो दूसरी लिस्ट है वो जारी की जा सकती है। तो जो मंथन सुबह से चल रहा था, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना की बात करें, तो उसमें अब बहुत से नामों पर सहमति बन गई है और कई जगह जहां निर्दलीय थे या फिर निर्दलियों का समर्थन था और वो अभी भी पार्टी के पक्ष में हैं, तो उनको भी कांग्रेस की तरफ से टिकट दिए जाने की वकालत पार्टी के नेताओं ने की है। तो देखना यही है कि अब कितने नामों की घोषणा और किस किस स्टेट में कितने नामों की घोषणा आज कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। लेकिन इतना कहा जा रहा है कि राजस्थान में जो मंत्रियों के टिकट काटे जाने की बातें थी उन चर्चाओं पर इस लिस्ट के बाद विराम लग जाएगा, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि अशोक गहलोत ने केंद्रीय नेतृत्व को मना लिया है कि जो उनकी कैबिनेट में जो मंत्री थे उनको फिर से चुनावी मैदान में उतारा जाए। ऋषि, और जिस तरीके से बाकी शहरों में कांग्रेस लगातार मुस्तैद नजर आ रही है, उम्मीदवारों की सूची जारी कर दे रही है, लेकिन राजस्थान में इतना ढीला कांग्रेस का व्यवहार क्यों? देखिए, क्योंकि राजस्थान में एक रिवायत रही है कि यहाँ हर 5 साल में सरकार बदलती है। अब अशोक गहलोत की तरफ से, उनके मंत्रियों की तरफ से दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि उन्होंने इतना काम किया है, चाहे वो हेल्थ को लेकर रहा हो या फिर डेवलपमेंट को लेकर, तो फिर से वहां पर पार्टी रिपीट करेगी गवर्नमेंट को, ये दावे अशोक गहलोत की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि वहां हर 5 साल में सरकार बदलती है तो उसको लेकर पार्टी चाहती है कि जो भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हो वो जिताऊ और टिकाऊ हो, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ना आए। इसी को लेकर इतना मंथन राजस्थान के अंदर चल रहा है। वहां 2 गुटों में पार्टी बटी हुई है, एक सचिन पायलट का गुट है और दूसरा खुद CM अशोक गहलोत का गुट है। तो इसके लिए भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि दोनों ही जो गुट हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को टिकट देने की वकालत कर रहे हैं। तो इस पर भी केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान है कि
किसी भी अपने बड़े नेता को नाराज ना किया जाए ऐसे वक्त में जबकि चुनाव वहां पर होने वाले हैं। तो लेकिन क्या इस गुटबाजी के चक्कर में राजस्थान को पीछे छोड़ने की कोशिश कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा ना उठा ले कांग्रेस की इस ढिलाई को लेकर, क्योंकि लगातार ऐसा देखा जा रहा है मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, तमाम शहरों में अब लगातार उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कहीं ना कहीं ढिलाई देखने को मिल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसी ढिलाई का फायदा उठाकर अब लगातार सूची जारी कर रही है, बाकी बची हुई सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा अब कर देगी। लेकिन इस मीटिंग के बाद अब क्या अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है और क्या कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर आज मोहर लगा दी जाएगी? देखिए, एक तो यहाँ पर पेच यही फंसा हुआ था कि जो कैबिनेट में मंत्री थे उनके उनमें से बहुत ज्यादा लोगों के टिकट काटने की बातें चल रही थी, तो उसके लिए मनाया गया है अशोक गहलोत की तरफ से कि उन्हें फिर से मौका दिया जाए। दूसरा जो यहाँ पर है वो लगातार, क्योंकि पार्टी का कहना है कि यहाँ पर एक ही सीट पर ज्यादा उम्मीदवार जो हैं वो अपना दावा ठोक रहे हैं, तो इसलिए पार्टी थोड़ी असहज है कि कहीं विरोध प्रदर्शन ज्यादा ना हो, तो उसके लिए भी पार्टी ऐसे नामों पर चर्चा कर रही है जिसका कि ज्यादा विरोध बाहर पार्टी के नेताओं के अंदर ना देखा जाए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी के जिन एमएलए को टिकट नहीं मिला है वो पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देकर दूसरी जगह अपना मौका तलाश रहे हैं, तो ऐसी स्थिति कांग्रेस में ना बने क्योंकि एंटी इनकम्बेंशन भी है और उसका फायदा बीजेपी को ना जाए। दूसरा, बीजेपी की तरफ से जो सांसद हैं मंत्री हैं उनको भी मौका इस बार विधानसभा चुनाव में दिया गया है, तो इसकी काट के लिए भी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से चर्चा की जा रही है कि आखिर हम या कांग्रेस की तरफ से कैसे उम्मीदवार उतारे जाएं जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान सीट्स पर ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा।